ये जी बतख। क्या आपको पता है बतख का गोश्त काफी डिफरेंट होता है दिखने, इसका पकाने का स्टाइल भी डिफरेंट था, लेकिन जब हमने पकाने का वही इसको टेस्ट किया। बतख को खरीदने के लिए हम लोग जाएंगे अपनी फेवरेट मार्केट में। कितना प्यारा मौसम है और ये ग्रीनरी कितनी प्यारी है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो चीज मैं मिस करता ना वो है ग्रीनरी। और आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। आज हम लोग फिर दनियूब पे आए, लेकिन मुझे पार्किंग मिली है छत के ऊपर, रूफ टॉप पार्किंग। अच्छी है यार। दिन दिन को मॉल्स में आना बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बिल्कुल खाली होता है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉल, कोई भी नहीं है। अलग अलग डक यहाँ से मिल जाए, डक बतख। क्या जबरदस्त किस्म के प्लेट्स, वाह। एक नाम लेने आए जी बतख। बतख पहुंच गए जी हम मुर्गियों के सेक्शन में, और उम्मीद है यहाँ पे बतख भी मिलेगी। नहीं बॉस, कीमा तो है लेकिन मुर्गी है लेकिन बतख नहीं है। तो देर में ऐसे मुर्गियाँ आती हैं जी, फ्रोजन मुर्गियाँ ऐसे आती हैं। बट वेयर इज द बतख? दूसरी दनों में चलते सुनाएंगे, उसके अंदर मिल जाता है, नहीं तो पूरी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ये वाली जो धनु बनाए तो रिसेंटली खोली। पहुंच गए जी हम फ्रोजन आइटमों के एरिया में। यहाँ पे तो मुर्गियां ही मुर्गी, मुर्गी का हर हिस्सा आपके पास मिल जाता है। टेंडर चिकन ब्रेस्ट, ये चिकन विंग्स, यहाँ तक के चिकन का जो लिवर है ना वो भी मिलता है। किब्दा डक नजर आ गया जी। ये जी डक, फ्रोजन डक ग्रिलर। बॉस डक के साथ एक और चीज नजर आई, ये भी यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है। और ये टर्की भी मिलती है यार, इनका कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल हम लोग अपना डक ले चलते हैं, एक मुर्गी भी ले चलते हैं कंपेयर करने के। देखें डक, वो मुर्गी और ये डक, क्या फर्क है। I've no idea डक की प्राइस क्या होगी, बट I'll... डक हमें हमारा मिल गया है 62 रियाल, और मेरे ख्याल से 18 रियाल की मुर्गी थी। जिंदगी की सबसे पहली डक कराई है। नदामत ना हो बस, लेट्स मीट इन अल जदीद नाउ। वेलकम टू अल जदीद रेस्टोरेंट। ऐसे हमारी जो बतख है की हालत थोड़ी सी टाइट है, पत्थर बनी हुई है इस वक्त ये, और हमारी मुर्गी भी जो है ना पत्थर बनी हुई है। इन दोनों को जो है ना हमें डिफ्रॉक करना पड़ेगा सबसे पहले। ये हमने पानी में रख लिया इसको, डिफ्रॉक करने के लिए हमने रख लिया है जी अपने पानी के अंदर। लग जाएंगे तकरीबन कोई 1 घंटा, वेट करते हैं, और इसी दौरान हम लोग अपने बंधुओं से पूछते हैं कि कभी डक कराई खाई है उन्होंने। ये हमारा स्पेशल हलीम है और ये हमारा कराई गोश्त है। देखिए एक सवाल है दानिश जी भाई, कभी आपने डक कराई खाई है? नहीं नहीं खाई कभी भी। नहीं, नहीं आज आपको ट्राई करनी पड़ेगी। वो सामने डक कराई पड़ी हुई। अच्छा दिल, बतख कराई नहीं खाई? नहीं खाई। फैसल आपने बतख कराई? नहीं खाई ना कभी, नहीं। आज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, बतख कराई बना रहे हैं। ए लें जी, हमारी जो डक है ना डीफ्रोज हो चुका है, इतनी बड़ी लंबी गर्दन थी इसकी। ये डक है और ये मुर्गी है। पकाने से पहले इसकी सफाई की जाएगी, उसके बाद इसकी कटिंग। इसको जलाया जाएगा ताकि इसके अंदर से जितना भी बाल है ना वो सब जल जाए। बाल साल साफ हो गए, उसके बाद अब पानी का काम है। अबे मुर्गी का गोश्त काटना आसान है इसका? दोनों एक ही है, मुर्गी थोड़ी नरम है, ये सख्त है। ये सख्त होता है? इसका गोश्त लाल लाल है, ये बकरे टाइप गोश्त नहीं है इसका? बकरे की तरह है, है ना? वैसे देखने में आ रहा है कि इसका जो गोश्त है ना इट्स नियर टू बकरा गोश्त। ये देखे ना यार, ये नॉर्मल गोश्त नहीं है जिसमें मुर्गी का होता है, वैसा नहीं है। ये अभी मुर्गी काट रहे हैं, मुर्गी के लेग पीस और जो बतख है उसके लेग पीस में बहुत बड़ा फर्क है। ये जी मुर्गी का लेग पीस है, कितना छोटा सा, और ये बतख का लेग पीस है। मुर्गी का लेग पीस, बतख का लेग पीस, और इनके गोश्त में भी देखें, ये एक्सट्रीम लाल किस्म का और ये थोड़ा सफेद सफेद है। गर्दन चेक करें यार डक की, कटिंग वगैरह हो गई है जी हमारे डक की। ये रहा जी हमारा डक, लेकिन हम लोग इसको कुकर के अंदर बनाएंगे, फुल टाइम नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्स इसको गालने के लिए हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका गोश्त काफी सख्त होता है और टाइम लगता है गलने में। लाइट्स ऑफ बहुत ज्यादा नहीं। प्याज किस लिए जरूरी है? प्याज टेस्ट के लिए। प्याज
कितनी देर के लिए रखेंगे इसे? ये सर आधे घंटे 20 मिनट के बाद हमारी डक कढ़ाई आधी तैयार हो जाएगी। फिलहाल हम लोग अबू मन्नो को भी फोन कर लेते हैं। हेलो सर, सलाम अलैक। अब मनो फिर शेख खास वैनक फजल फजल टाल शे मर्रा खास अली मर्रा खास मर्रा। ये हमारी सबसे ज्यादा चलने वाली आइटम है। क्या कहते हैं इसको भाई? जलफ्रेजी। चिकन जलफ्रेजी। साथ साथ भी आ जाएंगे 20 मिनट में। इतनी देर में हमारा बतख भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जी हमारा तैयार हो गया। बतख आधा तैयार हुआ अभी फिलहाल। मैं जब तक टमाटर ना हो क्राई क्राई नहीं होती। तो हम लोग अभी टमाटर काट, मुर्गी की हो गोश्त की हो या बतख की हो टमाटर लाजमी है। सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बतख को अरबी में बत्ता कहते हैं। अंदना बतख 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 अंदना बत्ता। इनके पास बत्ता है और हमारे पास बतख। देखो फिलफिल अब मन्नो ला वल्लाह मन्नो अंत हातम जहज عشان और ये जा रही है जी हमारा डक डक का लेग पीस। दही भी बड़ा जरूरी होता है जी। हमारी एक बड़ी फेमस डिश है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारी फेमस डिश और ये भी हमारी फेमस डिश है। इनको क्या कहते हैं? इनको एक को टिक्का मसाला, एक को 65। ये जी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। ये जी तैयार हो गई है जी बतख कराई। मेरा रिव्यू सबसे एंड में होगा। كيف يعني يا ابو منى؟ هذه بطخ بطخ بطه بطه والله تقول لحم ولا تجي. वैसे साहब साहब सही कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो शक्ल है ना गोश्त टाइप लग रही है अगर हड्डी ना हो तो। अदील भाई सबसे पहले करेंगे। इससे पहले आपने बतख खाई है? हां जी नहीं। सॉरी मैं क्या कर ला या शेख انت قد اكلت بطه؟ لا لا اول مره جاي. اول مره؟ اول مره. الله يعينك. لحم احمر صح؟ टेस्ट तो मजे का लाजवाब टेस्ट है इसका। अच्छा टेस्ट मजे का। चले फैजल आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम बतख खा रहे हैं? जी जी पहली। अल्लाह बिस्मिल्लाह करें और अपनी राय दें। ये जी गोश्त मजे का है। हाँ मुर्गी बेहतर है ये ठीक है। नहीं ये मजे का मुर्गी। अच्छा चले जी फैज साहब का भी रिव्यू हो गया लेकिन अभी साथ साहब का स्पेशल रिव्यू। हाँ वो मानो फ्यू वाला मुस्तगरब शुरू शुरू شوف شوف يقول هذا لحم بقر ولا دجاج ولا كارية بكرية هي دجاجة أحمر شوف أحمر صح؟ إيه لا رنجيسكا بالكل والله زي لحم بقر زي لحم بقر ساس آپ کہہ رہے ہیں کہ گوشت کی طرح لیکن اف کورس گوشت ہے نہیں یہ مرغی اور گوشت کے درمیان والی چیز ہے خلنا بقى اجرب على حيد بسم الله بقر بقر ممكن بقر ممكن دجاج يا اخي اثنين كذا يجي ميكس شوف كيف حلو صح؟ نحط معها شويه بس هذه لازم لازم خاتم ها؟ ايه لازم خاتم يا رب بسم الله بسم الله حسبنا الله. كيف اللحم؟ انا ما دبت اللحم اكلت الفلفل على طول. چلیں جی ہماری باری آ گئی روٹی اس کے بعد यहाँ से थोड़ी सी बोटी भी लेते हैं। ये है जी मेरा अल्टीमेट बाइट इस तरह का। बिल्कुल नरम नरम गोश्त है और सही तरीके से गला हुआ और टेस्ट जो है ना टोटली डिफरेंट है। मुर्गी का टेस्ट जैसा नहीं है, टोटली डिफरेंट टेस्ट है। ये इसका जी लेग पीस है। ये है जी हमारा अल्टीमेट बाइट दोबारा। वाकई डिफरेंट है। एनीहाउ खैर भाई को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।